दिल्ली में अगले साल एमसीडी के चुनाव होने हैं, जिसमें चंद महीने का समय शेष है। ऐसे में राजनीतिक उठापटक होना लाजमी है। वहीं नगर निगम के चुनाव से पहले हर बार की तरह इस बार भी पार्टी फेरबदल का दौर जारी है। इसी फहरिस्त में बीते दिनों कांग्रेस के कई युवा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सभी कार्यकर्ताओं को औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं और हर जगह से खबर आ रही है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग समाज के प्रतिनिधि जो समाज के साथ काम करते हैं, राजनीतिक संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ अब हर जगह जुड़ना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं और बड़ी संख्या में लोग हर जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री राजर्षि पांडे जी जो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, वो आज अपने साथियों के साथ हमारी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे साथ काम करने की उन्होंने इच्छा जाहिर की है और हमारा मानना है कि इनके आने से, हमारे साथ इनके जुड़ने से पार्टी को भी बहुत लाभ पहुंचेगा, हम इनकी प्रतिभाओं का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं पहले कांग्रेस में था और आज मैं आम आदमी पार्टी का सदस्यताग्रहण किया है और मुझे उम्मीद है कि केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बनके मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि आज देश में जो नेतृत्व है केजरीवाल जी के नेतृत्व में, किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से दिल्ली में बिजली पानी फ्री मिल रहा है, हर जगह केजरीवाल जी लोगों के उम्मीद पे खड़े उतर रहे हैं, हर स्टेट में जहाँ पे किसानों बिजली के बिल से आज राहिमाम है, वहीं पे हमारे पार्टी में पिछले काफ़ी टाइम से दिल्ली में तो फ्री है ही, हर स्टेट में बिजली पानी फ्री की बात हो रही है। सारे युवाओं इनके साथ है, हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस में मेम्बर थे, हमारे साथी थे, उन सभी साथी के साथ मैंने आज सदस्यता ग्रहण की है। मुझे बहुत खुशी है और आम आदमी और केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इससे मैं बहुत